जय हिंद, जय श्री राम। आज हम इंद्रापुरम रामलीला समिति में हैं और आज हम उनसे बात करने वाले हैं जो रामलीला में श्री राम और लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ऋषि अरोड़ा, जो कि राम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रोल कर रहे हैं। तो ऋषि जी, ये बताइए, आप भगवान श्री राम का रोल कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर, पहली बात तो हम लोग इंसान हैं, ऐसे कुछ होते नहीं, हम इतने बड़े नहीं होते कि हम भगवान का रोल प्ले कर पाएँ। सिर्फ स्वरूप लेते हैं उनका, स्वरूप लेने से पहले भी हमें उनकी प्रार्थना करनी पड़ती है कि आपका स्वरूप मैं आज धारण कर रहा हूँ, कृपया आप मुझ पर बनाए रखें। मैं अभी का एग्जांपल दूंगा आपको। मंच में चढ़ने से पहले मेरे को बहुत तेज़ जुकाम था, छींकें भी आ रही थी, मुझे लग रहा था बस मेरे को स्टेज पर छींक ना आ जाए, बट स्टिल मैंने भगवान जी की कृपा करी, उनको हाथ जोड़ के आशीर्वाद लिया उनसे, मंच पर तब चढ़ा और आपने देखा मंच पर बिल्कुल सबको लगा कि वाकई में जो स्वरूप है वो मेरे पर आ रहा है। तो आप कितने समय से ये सब कर रहे हैं? सर, मेरे को 4 साल हो गए हैं, तो इस बार मैं गया हूँ तो यहाँ पे सुबह कला केंद्र में मेरा पहली बार है यहाँ पर जी। वैसे मैं 4 साल से कर चुका हूँ। आपको हजारों लाखों लोग भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं और आपसे कामना करते हैं कि जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो आपसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि हम जिन्हें देख रहे हैं भगवान श्री राम का रूप है और कहीं ना कहीं हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वास्तविकता में ही भगवान श्री राम का अवतार आपने ले लिया है? सर, अवतार लिया है और लोग बहुत पूरी श्रद्धा से देखते हैं और वो वास्तव में हमको भगवान ही समझते हैं कि भगवान साक्षात उनके पास धरती पर आ गए हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हम भी अपने आप से आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, इस लायक तो हम अभी नहीं है, लेकिन ये है कि हम अपने मन में भगवान का नाम खुद लेते हैं, भगवान से हम खुद प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो मनोकामना वो पूरी हो जाए। ये जो रामलीला है, श्री रामलीला समिति इंद्रापुरम, इसमें आप पहली बार रोल प्ले कर रहे हैं राम का? हाँ जी, पहली बार है इंद्रापुरम में, सुरभि कला केंद्र से मैं जुड़ा हूँ इस बार, तो ये मेरा प्रथम वर्ष है जो मैं यहाँ पर राम जी का रोल प्ले कर रहा हूँ। अब से पहले कौन कौन से रोल आपने प्ले किए हैं? सर, मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने भरत का रोल किया था, उसके बाद लक्ष्मण किया था, फिर आगे फिर जो मैं कंटिन्यू 2 साल से मैं राम जी का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो अभी तक का सबसे यादगार रोल बताइए अपना। सर, यादगार रोल तो राम जी से बड़ा कोई हो नहीं सकता, बस यही है कि मतलब एक जो ऑरा बनता है आपके आसपास, जो आपको लगता है कि वाकई में आपके अंदर कुछ है, एक स्वरूप आपके अंदर आया है, वो भी हम प्रार्थना करेंगे तभी वो स्वरूप हमारे पास चढ़ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे हम। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करें, बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले करें। आपका जो हमारे दर्शक आते हैं उनके लिए कोई अपील आपकी? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल का सब कुछ पाप, आपको पता है कितनी हर जगह कुछ ना कुछ बढ़ गया है, अगर वो 10 लोग इस श्रद्धा से 10 दिन यहाँ पे जुड़ते हैं, रामलीला से जुड़ते हैं, तो इस मंच से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह से मर्यादा रखी, लक्ष्मण की मर्यादा, हर चीज़, मतलब यहाँ पे रामलीला आपको पूरी लाइफ का सफ़र करा देती है हमें। तो इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके जो भी, अगर राम भगवान को आप मानते हैं, उनकी कृपा से, उनकी ही कृपा दृष्टि अपने ऊपर बना के रखिए और प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको खुद लगे कि आपने अपने साथ अच्छा नहीं किया। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे कलाकार से जो कि लक्ष्मण जी का रोल प्ले करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। तो आप ये जो एक्टिंग करते हैं कितने समय से कर रहे हैं? मुझे लगभग 10 साल हो गए करते करते इस रोल को। तो अभी तक कौन कौन से रोल प्ले कर चुके हैं आप? इसमें मकरध्वज और लक्ष्मण, राम, कौन सा था और ये क्या नाम है, अक्षय कुमार, काफ़ी रोल कर चुका हूँ मैं, दरबारी तक का भी रोल कर चुका हूँ। अभी जो आप जिस जगह रामलीला में लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, श्री रामलीला समिति इंद्रापुरम, ट्रांसेंडन क्षेत्र होता है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 2014 में भी यहाँ पर आके रामलीला कर चुका हूँ, लक्ष्मण का ही किरदार किया था मैंने यहाँ पे, इस साल भी मेरा किरदार लक्ष्मण का ही है, तो सब मिला के बढ़िया ही है एक्सपीरियंस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ रामलीला के पात्र करने वाले राम और लक्ष्मण। ऐसे ही कुछ और कलाकारों से फिर आपको मिलवाएंगे, देखते रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय हिंद।